नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर टोहाना जो किसानों का पक्का मोर्चा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। तो क्यों ये पुतला जलाया जा रहा है और किसानों की क्या क्या मांगे अभी तक सरकार द्वारा मानी गई हैं और क्या क्या जो मांगे हैं वो बची हुई हैं, तो आइए जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनसे। किस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का और सरकार का समझौता हुआ था, बकायदा तौर पर रिटर्न चिट्ठी जो है सरकार द्वारा मोर्चा को दी गई थी कि हम जो MSP के कानून की गारंटी के लिए क्या क्या प्रावधान हो उसके लिए चिट्ठी बनाई जाएगी जिसमें सरकार और किसान मोर्चा के जो अभी होंगे। उसके बाद जितने भी केस हैं झूठे जो दर्ज हुए किसानों के ऊपर या किसानों के समर्थकों के ऊपर, वो सभी केस जो है वापस लिए जाएंगे। मुआवजे की बात थी, वो तो चलो मुआवजा जो हमारे हरियाणा में परसों से वितरण शुरू होना शुरू हो गया और वो यहाँ टोहाना के जो हमारे सीध किसान थे उनको भी मुआवजा जो है वो एक साथी को छोड़ करके लगभग पहुँच गया। वो भी हमने विरोध किया था क्योंकि BJP वाले बांट रहे थे, BJP वाले ना बांटे, प्रशासन जो है बांटी। अब जो मेन मुद्दा रह रहा है वो MSP की गारंटी के लिए आज तक कोई भी मीटिंग सरकार द्वारा नहीं बुलाई गई, जबकि 1.5 महीने से ऊपर हो गया समझौता हुए। रेलवे के केस के अंदर जो केस थे उसमें काफ़ी जो है केस वापस हो चुके हैं, जो कोर्टों में उनका आदेश हो चुका है कि जो अगली पेशी आएगी उस पर वो केस जो है वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन रेलवे के केस जो कि जो पूरे देश के अंदर हैं, जबकि वो ऊपर से गृह मंत्री द्वारा आदेश देने से एक ही कलम से वो केस वापस हो सकते हैं, तो वो जो ये विश्वासघात की है जो सरकार ने, और लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों को जो गाड़ी के नीचे कुचलने वाला जो दोषी था उसका जो पिता है वो आज भी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर आसीन है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो SIT बनी है उस SIT ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके पहले जो पुलिस ने मिली भगत के कारण उसको आत्म जो है एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी, वो धाराएं लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की SIT ने ये मतलब रिपोर्ट में साबित कर दिया और आदेश दे दिया कोर्ट को कि इस इनके खिलाफ जो है वो हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये जानबूझकर की गई हत्या है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है अजय मिश्रा टेनी है वो आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर आसीन है। हमारी मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है साजिश रचने का मुकदमा दर्ज है। तो इन मांगों को लेकर के आज पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोदी सरकार के पुतले जलाए गए हैं, उसी के तहत आज टोहाना में भी जो है संयुक्त मोर्चे द्वारा मोदी का पुतला जलाया गया। अगर ये मांग आपकी नहीं मानेगी तो अगला कदम आपका क्या होगा आगे? क्योंकि ये बस स्पष्ट संयुक्त मोर्चा ने कह दी थी कि लड़ाई समाप्त नहीं हुई, लड़ाई अभी शुरू हुई है। ये तो ठीक है, 3 काले कानून की बात थी वो वापस हो गए, लेकिन उससे किसानों की समस्या तो हल नहीं हुई। खाद की समस्या उसी तरह खड़ी है, फसलों की ये जो पोर्टल खोले हैं वो पोर्टल जो है आज बंद हो जाएगा, लोगों की जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। आगे गेहूं की फसल आने वाली है, जीरी के टाइम भी ये किसान दुखी हुए, आगे भी दुखी होंगे। बाकी जो मांगे हैं इनके, ये लड़ाई जो है वो लगातार से जो है संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ता रहेगा, और अगला प्रोग्राम भी जो है बड़ी जल्दी, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का ऐलान है कि हम किसी चुनाव वगैरह में नहीं जा रहे, हम किसानों की मांगे के लिए लड़ते रहेंगे। बड़ी जल्दी जो है मीटिंग हो करके अगला जो है आदेश और अगला प्रोग्राम है जो वो किसानों के बीच में जो है संयुक्त मोर्चा लेकर आएगा और इस लड़ाई को अंजाम तक संयुक्त किसान मोर्चा लेके जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे की काल थी भी जो MSP है उसके ऊपर अभी तक इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, और हमारी बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, और ट्यूबवेलों के कनेक्शनों बारे कोई इनका मतलब जो ट्रांसफार्मर है इन बारे कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, और हमारी 14 मांगे हैं ये देख सकते हो आप, इनके ऊपर अब तो ये ऐसे समझती है मतलब ये सरकार भी ऐसे ही डाउन हो गया, मतलब ये आंदोलन दब गया, ये आंदोलन दबया नहीं है ना, घर कर जाकर सोए हैं। अगर हमारी ये MSP की मांग नहीं लागू करी और जो हमारी ये 14 मांगे हैं अगर ये नहीं लागू हुई तो हम यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जैसे हम पहले दिल्ली गए थे इस वजह से दोबारा फिर वहाँ जाने की हमारी तैयारी है। और आप देख सकते हो 7 तारीख को सचिवालय में जाएंगे, ट्रालियाँ लेकर बहुत ज़्यादा तादाद में दुनिया जा रही है, और 7 तारीख को मैं आपके चैनल के राही
मैं सबको अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करनाल पहुंचे, जो कि सचिवालय में जाना है। हमारी जो एमएसपी की खरीद है उसको लागू करें, जो एमएसपी की गारंटी दी जाए, और हमारी देख सकते हो ये मांगे इनको लागू करें, क्योंकि नहीं इससे बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। आज पूरी लहर है इस चीज़ की, जो कि सारे कोर्टों के बीच जाकर मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है।